नमस्कार, जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा की रात घर आती है माता लक्ष्मी, हर घर में जरूर आती है। यदि आप आज के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आज रात माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसा सकती हैं। आइए जान लेते हैं आज के दिन करने वाले कुछ अचूक उपाय, इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और व्यक्ति को मालामाल भी कर सकती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो भी व्यक्ति सोता हुआ मिलता है, माँ लक्ष्मी उसके घर प्रवेश नहीं करती। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और हर मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। पूरे साल में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन को जागर व्रत माना गया है। मान्यता है कि रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को जो भी व्यक्ति सोता हुआ मिलता है, माता लक्ष्मी उसके घर प्रवेश नहीं करती। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और माँ से हर मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करें। प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह उपाय कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला होता है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती है और शरीर का अंत होने पर भी परलोक में भी समृद्धि प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाई जाती है और उसे पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं और खीर और हमारी जो खीर होती है उसमें अमृत का अंश मिल जाता है, इसलिए व्यक्ति की आयु इस खीर को खाने से बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा की रात देर तक जागने के बाद बिना विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लिए नहीं सोना चाहिए। रात में जगने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा या जगने वाली पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए इस पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए आप पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान कर तुलसी को भोग लगाएं और दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आज के दिन माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी का आगमन साफ सुथरे घर में ही होता है, तो ध्यान रखें शरद पूर्णिमा के दिन घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूरे घर में साफ सफाई रखें, घर के कोने कोने को साफ करें, क्योंकि माता लक्ष्मी किसी भी कोने से आ सकती है, एक छोटे से छेद से भी आपके घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए घर का हर कोना साफ सुथरा होना चाहिए और अंधकार नहीं होना चाहिए, इसलिए उचित लाइट की व्यवस्था रखें या आप एक दीपक वहाँ पर जरूर जला दें जहाँ पर अंधेरा हो। रात को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर उन्हें गुलाब के फूलों की माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जप रात में जरूर करें। मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह है मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को चारा माला जप जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी मिलाकर पानी के छींटे भी लगाएं। मुख्य द्वार को साफ रखें एवं ब्राह्मण एवं साधु संतों को घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाएं तथा उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। शरद पूर्णिमा के दिन कर्जों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है, इसलिए आज के दिन यदि आप पे कोई भी कर्ज है तो आप इस दिन रात्रि के समय श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्रोत का और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, भगवान कृष्ण मधुराष्टक का पाठ इस कार्यों की सिद्धि के लिए दिलात करते हैं। और भक्त यदि आज के दिन इन सभी का पाठ करता है तो उसको हर प्रकार से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए आज के दिन जरूर करें इस उपाय को। अगला उपाय है माँ लक्ष्मी को आज के दिन सुपारी बहुत ही प्रिय होती है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा में सुपारी का प्रयोग जरूर करें और सुपारी को हो सके तो लाल धागा लपेटकर उस पर अक्षत कुमकुम पुष्प आदि से उसका भी पूजन करें। जब आप सुपारी का विधिवत पूजन कर लेंगे तो सुपारी को उसी लाल धागे में लपेट कर ही अपने तिजोरी में या फिर धन रखने के स्थान पर रख लें। आप देखेंगे कि कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी हुई हो तब उस समय आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें और रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा का दीपक जलाएं। आप देखेंगे कि धन की कमी आपको कभी नहीं होगी, धन लाभ होता रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी हुई हो तब उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति को धन का लाभ होता है। तो आज के दिन माता लक्ष्मी का आप सुबह और रात के समय इन उपायों को जरूर करें। रात को उन्हें दीपक जलाएं, चौमुखा दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी को गुलाब की माला पहनाएं और माता का जागरण करें और जो हमने आपको मंत्र बताया उस मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहें। आज के दिन खीर का भी बेहद ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को कुछागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन दीपदान जरूर करें। दीपदान करने से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। आकाश दीप प्रज्वलित करने से अकाल मृत्यु का भय भी आज के दिन खत्म हो जाता है। व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।